हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एचपी का लैपटॉप आया है। पुराना मॉडल है एचपी G6 1000 मॉडल होता है, ग्रे कलर में जो होती है। 2000 वाला जो लैपटॉप होता है सेम मॉडल होता है, बस वो ब्लैक कलर में होता है। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रखी है। ये आप देखोगे, सबसे पहली प्रॉब्लम है कि इसका बेस टूटा हुआ है। ये यहाँ पूरा देखते हो, बेस टूटा हुआ है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें आप देखोगे ये निशान बना हुआ है स्क्रीन पे। ये आप देखोगे ये निशान, इस पे स्क्रीन पे निशान बना हुआ है ये स्क्रीन। ये कारण क्या है, जब हमारी ये बॉडी टूट गई है तो हम जब इसको ओपन क्लोज करते हैं तो ये प्रेशर में आके स्क्रीन पे निशान बन गया है। तो हम आपको यही बताते हैं कि आप ऐसा मत करें। यदि ऐसा है, आपकी बॉडी वगैरह टूटी हुई है, तो लैपटॉप को कम ही यूज करें। यूज भी करना है तो खोल के ही रखें, उसे बंद मत करें इस तरह से, क्योंकि क्या होता है ये स्क्रीन पे प्रेशर पड़ता है और स्क्रीन हमारी खराब हो जाती है यदि हमारी बॉडी टूटी हुई है। तो आप भी ध्यान रखें इस बात का कि यदि आपकी बॉडी टूटी हुई है या हिंच ब्रेक है या हिंच में कोई प्रॉब्लम है तो आप लैपटॉप को यूज ना करें। यदि यूज भी करना है, इमरजेंसी है, तो उसको ऐसे ही रखें टेबल पे, उसको बंद मत करें, उसका फ्लैप नीचे डाउन मत करें, क्योंकि उससे क्या होता है हमारी स्क्रीन में प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं। तो इस प्रकार आप इस चीजों से बच सकते हैं। और आप ऐसी ही नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। धन्यवाद।